अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद रिजवान आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खेजात मुजर्रबात लेके आता हूँ और आज भी एक नायाब नुस्खे के साथ हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, मैंने आपको बड़े ज़बरदस्त नुस्खे यूट्यूब पे बताए। मेरे चैनल पे आपको हर तरह का नुस्खा मिलेगा और ऐसे ऐसे महंगे नुस्खे भी मौजूद हैं जो हर बंदा बना भी नहीं सकता। लेकिन जो लोग ज़्यादा महंगे नुस्खे इस्तेमाल नहीं करते और उनको बीमारी भी है, तो फिर उनके लिए भी कुछ नुस्खे मैंने बताए हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ फार्मूला जो बिल्कुल हटके है, ठीक है। आज तक आपने सुना होगा कि पूड़ी नुकसान देती हैं, तली हुई जो पूड़ी होती हैं वो नुकसान देती हैं, हाँ, पेट ख़राब करती हैं, मोटापे को बढ़ाती हैं, मर्दाना ताकत ख़त्म करती हैं, वगैरह वगैरह आपने सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आज मैं जो आपको पूड़ी बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप वो पूड़ी अपने घर पे बनाएं और रोज़ इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपने 40 दिन इस्तेमाल कर ली तो आपका वीरिया गोंद की तरह गाढ़ा होगा, आपकी टाइमिंग नंबर वन की होगी, ठीक है, रुकावट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी आपकी, ठीक है, और आपका पेट ख़राब भी नहीं होगा। तो आप ताज्जुब में होंगे कि ऐसी कौन सी पूड़ियाँ हैं। तो जी हाँ, मैं आपको ऐसी ही पूड़ी बना रहा हूँ जो आपका पेट भी ख़राब नहीं होने देगी, आपको ज़्यादा मोटा भी नहीं होने देगी और आपको टाइमिंग इतनी बढ़ा देगी आपकी कि आप सोच भी नहीं सकते और आपका वीरिया तो बहुत ही गाढ़ा कर देगी। तो दोस्तों, पूड़ियाँ आपको कौन सी लेनी है, ठीक है, अपने घर पे पूड़ियाँ बनवाइए रोज़ नाश्ते में, खाइए यार, मज़ा भी आएगा और फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। तो आपका ये दवाई की दवाई और नाश्ते का नाश्ता, ठीक है, दोनों हाथ में आपके ही लड्डू हैं ना, बहुत अच्छा नुस्खा बता रहा हूँ, तो आप सुनिए इसको, आपको लेना क्या है। उससे पहले आपसे मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नुस्खे जात आप तक पहुँचते रहें, तो फिर आप घंटे के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच जाए। आपको लेना है जो आधा किलो गेहूं, आधा किलो चावल, आधा किलो उड़द, आधा किलो छोटी पीपल, ठीक है, इसमें ले लें एक पाव। अब इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पीस लें, कूट लें, किसी भी चीज़ की मदद से पीस सकते हैं आप, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इमाम दस्ते से, आप इसका आटा भी ले सकते हैं सारी चीज़ों का, ठीक है। पीपल पीस के इसमें मिक्स कर लें, उसके बाद आप इसे दूध में गूंदें, ठीक है, दूध में आप इसे गूंदें। दूध में गूंदने के बाद गाय के देसी घी में आप इसको तलें, पूड़ियाँ बना लें, ठीक है यार, ये नंबर वन की पूड़ी है, ठीक है। इनको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी टाइमिंग ज़बरदस्त हो जाएगी, ठीक है, और वीरिया तो इतना गाढ़ा होगा आपकी, मनी इतनी गाढ़ी होगी कि सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ये पूड़ियाँ तली हुई ज़रूर हैं लेकिन कब्ज़ नहीं बनाती, क्योंकि इसमें जो पीपल पड़ी हुई है वो कब्ज़ होने ही नहीं देती है, ठीक है। तो आप इनको नो टेंशन होकर इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, किसी बीमारी के बारे में मशवरा लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझसे संपर्क करें, स्क्रीन पे आप मेरा नंबर देख रहे हैं। इंशाल्लाह होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात, तब तक के लिए दी अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।